इसके लिए सबसे पहले आपको दो शेप्स लेने होंगे और शेप्स का कलर आपको इसी तरीके का रखना होगा। तो शेप्स हमने यहाँ से जाकर और इस शेप्स यहाँ से ले लिया, लेकर कुछ इस तरीके से खींच दिए थे, है ना। फिलहाल हम पहले से खींच चुके हैं तो इसलिए नहीं खींचेंगे। इंसर्ट में क्लिक करेंगे, अगला लिखा हुआ है टैली विथ GST। यहाँ पर इस वाले वर्ड आर्ट को ले लेंगे और यहाँ पर इस इन टैली को हटा देंगे। लिखेंगे टैली और GST कैपिटल लेटर में है। देखिए सब लोग इसी तरीके से बनाते हैं जो बुक वाले होते हैं। फ्रंट पेज का डिजाइनिंग सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, ये जान लीजिए, कोई भी सीख सकता है आसानी से। अब यहाँ पर हमें विथ लगाना है, ऊपर लगाना है विथ, तो यहाँ पर चले गए वर्ड आर्ट और विथ लिख दिए। विथ की जो भी इंटेलिक है उसको कर दिए और जो भी साइज है उस साइज को रिड्यूस हम कर देंगे। यहाँ पर ले आने के बाद में सब इसे अच्छे से बैठ भी जाएगा, है ना। देखिए कीबोर्ड का जो अप की नेविगेशन की के नाम से जाना जाता है, उसको जब आप ऊपर करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर ये लिखा गया और यहाँ पर स्टार बने हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा स्टार का ये 32 का है, तो 32 को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। साइज थोड़ा सा इसका आप गोले का थोड़ा सा और कम कर लीजिए और इसको थोड़ा सा और इधर कर दीजिए। यहाँ से कलर ले लेंगे और नीचे लिखा है सरलीकृत हिंदी एवं अंग्रेजी, तो इसमें भी लिखा हुआ है जुलाई सत्र 2020 की दर के साथ। यहाँ पर भी हम ले लेंगे हिंदी करके और यहाँ पर जुलाई जुलाई 2017 2017 की दर के साथ। थोड़ा सा इसको इंटरलिक हटा दिए और ये आया इसकी साइज को थोड़ा सा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके और यहाँ इसकी साइज को हम छोटा करके यहाँ पर सेटिंग कर देंगे। देखिए इसके लिए जो बड़ा हो रहा है ना, तो यहाँ से आप छोटा ऐसे करते चले जाएंगे और यहाँ से ये हमारा पूरा आ गया। तो कलर भी दे सकते हैं, यहाँ से अपने मन पसंद का कलर जो भी देना रहेगा दे सकते हैं। और यहाँ से इसको यहाँ हटा दिए। देखिए जुलाई 2017 की दर्ज के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है सरलीकृत हिंदी एवं इंग्लिश। इसके लिए वर्ड आर्ट का फिर इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सरलीकृत सरलीकृत हिंदी एवं अंग्रेजी अंग्रेजी यहाँ से हटा दिए। थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, अच्छा भी लगेगा। और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट सबसे पहला काम यही होगा कि आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना होगा। साइज को थोड़ा सा ऊपर नीचे आप कर सकते हैं और ये जो टैली लिखा है इसकी साइज को थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। कलर भी आप दे दीजिए जिस कलर का है। अब यहाँ पर कुल लिखने का कार्यक्रम है, दो बार क्लिक कर देंगे। लिखा है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, तो फटाफट लिख लेते हैं। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन टीआरओ BUCTIO इंट्रोडक्शन क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन टू टैली इंट्रोडक्शन टू टैली। उसको क्रिएशन ऑफ मास्टर हिड पेरोल, क्रिएशन ऑफ मास्टर हिड पेरोल नीचे है
ना। उसके बाद में इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, बाउचर, बाउचर, टीडीएस एंड टीसीएस, टीडीएस एंड टीसीएस, और यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स और जीएसटी फॉर सर्विस, बस इसी पर हम कर दे रहे हैं जीएसटी फॉर सर्विस। थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा तो आप ये और ऊपर कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू रेडी फॉर जीएसटी, तो यहाँ से इसी को डबल कर लेते हैं, यहाँ पर डबल हो जाएगा। और यहाँ से आप पारी पारा डबल करते चले जाएंगे, एक एक वर्ड लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे, लिखेंगे आर, इस पे भी राइट क्लिक करके यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देंगे, यू रेडी, रेडी फॉर जीएसटी। इसको पारी पर सबको कंट्रोल के साथ में सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में ये कलर इसमें रेड दिया है तो रेड को भी ऐसे सेलेक्ट कर दिए, और यहाँ पर जाकर नो आउटलाइन कर दिए। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर की जरूरत पड़ेगी तो पिक्चर कैसे लेंगे, तो सबसे पहला आप यहाँ पर एक शेप्स ले लेंगे, शेप्स को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, और फिल इफेक्ट पर पिक्चर पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों दे रहा है। हमें ऑफलाइन की ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास पिक्चर पहले से ही है, यहाँ पर क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐसा करेंगे कि ये टैक्स जो है वो ये अंदर चला जाए, तो बिहाइंड द टैक्स करके देंगे, तो देखिए हमारा यहाँ पर प्रॉपर सब टैक्स ऊपर हो गया और पिक्चर जो है हमारा नीचे हो गया। और इसको कलर जो है थोड़ा सा बढ़ा देंगे ब्राइटनेस, इससे दिखने में भी लगे। हाँ अब देखिए, और यहाँ से आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देंगे, कहाँ से, यहाँ से नो आउटलाइन कर देंगे। देखिए ये परफेक्ट जाकर यहाँ पे बैठ गया। नीचे का जो ये है तो यहाँ से एक शेप्स लगाया गया है, ये इसको ये इस तरीके से कर देंगे, और कलर भी कर देंगे इसको जो कलर का है। अब सिंपल सा लिखने लिखने वाला कार्यक्रम बस बचा हुआ है, यहाँ से नीचे से लिखना है कौशल विकास प्रशिक्षण एवं पीएम के वाई उपयोगी। यहाँ पे भी लिखने के लिए क्या करेंगे, वही वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करेंगे, और कंट्रोल को दबाए रखेंगे, ले आइए यहाँ छोड़ दीजिए, और यहाँ पर उस वर्ड को लिख दीजिए जो लिखा हुआ है। कौशल विकास प्रशिक्षण एवं पीएम जेवीवाई हेतु उपयोगी। और इसकी साइज को ये यूं बढ़ा देंगे। अब कलर जो है वो ब्लैक है, ब्लैक
अप्लाई कर देते हैं। तो देख सकते हैं कि एक आपका बुक तैयार हो गया। थोड़ा सा यहाँ टी बालाजी का लोगो बना हुआ है, तो टी बालाजी का लोगो भी यहीं से हम बना देंगे। जो कलर का रहेगा वो कलर को सेलेक्ट करके यहाँ कलर को दे देंगे, और यहाँ से ये छोटा सा गोला, यहाँ पे टी बालाजी लिखा हुआ है, टी भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है टी बालाजी। कीबोर्ड की अप कीज के द्वारा इस गोले को यहाँ पे कर देंगे।